लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसे भी रूबरू करा दिया आपको। 15 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी अहम खबर है। आरएएस वीरमा राम को उपखंड अधिकारी लगाया गया है आबू रोड, आरएएस सुरेश कुमार को उपखंड अधिकारी सावला लगाया गया है, तो इधर आरएएस लाखा राम को लगाया गया उपखंड अधिकारी बौली का, आरएएस सुबोध सिंह चारण को भी उपखंड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा लगाया गया है। तो इन तबादलों में आरएएस सुनील कुमार का भी नाम है, जिन्हें उपखंड अधिकारी किशनगढ़ बांस लगाया गया है। आरएएस पूजा मीणा को उपखंड अधिकारी शाहबाद बारा लगाया गया है। पूरन कुमार शानी को भी उपखंड अधिकारी सराड़ लगाया गया है। तो वहीं आरएएस नारायण लाल जीनगर को भी उपखंड अधिकारी करेड़ा लगाया गया है। इसके अलावा आरएएस किशन मुरारी मीणा का भी तबादला हुआ है। उपखंड अधिकारी छीपा बड़ोद के रूप में ही अपनी नई जिम्मेदारी को संभालेंगे। आरएएस गुरु प्रसाद तंवर को एसडीएम वजीरपुर गंगापुर सिटी नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग ने ये सभी आदेश जारी कर दिए हैं इनके ट्रांसफर्स को लेकर। तो आप 15 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। और चलिए वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, 15 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से। ऐसा इन पूरी तबादला सूची को दो तबादला सूची जारी हुई है, एक सूची 10 आरएएस की है और एक 5 आरएएस की है जी। तो इसको पूरा अगर विश्लेषण करें तो यह पाया जाता है कि 11 एसडीओ को इधर उधर किया गया है और इसमें खास बात यह है कि 7 एसडीओ की रिक्त पद पर नियुक्ति हुई है। इसका अर्थ यह था कि चुनाव की दृष्टि से जो एसडीओ का बेहद महत्वपूर्ण पद था उस पद में अब जाकर नियुक्तियां की जा रही हैं। तो यह देखने वाली बात है क्योंकि मान लीजिए अगर इन जिलों में या इन तहसीलों में सीधे चुनाव भी नहीं है और मान लो सीधे उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है तो भी एसडीओ का एक महत्वपूर्ण पद होता है। तो बहरहाल जो दूसरी अगर बात करें तो जो सहायक कलेक्टर है, एक सहायक कलेक्टर की रिक्त पद पर नियुक्ति की गई है। तो और एपीओ अनिता खटीक को सहायक कलेक्टर बानसूर कोटपुतली बहरोड के रिक्त पद पर नियुक्ति की गई है, क्योंकि नए जिलों में अभी भी अधिकारियों का लगने का सिलसिला जारी है। और सुमन मीणा का पूर्व में किया गया तबादला निरस्त किया गया है। तो मोटे तौर पर यही सामने आ रहा है कि जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको चुनाव से पहले तैनाती किस तरह से की जाए ताकि जो सरकार की योजनाओं है उसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन और असर। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी इस पूरी जानकारी के लिए। जो 15 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, नई जिम्मेदारी दी गई है।